हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते अनि सेवान्ने, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक बार संजोक राय ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मेरे फ्रेम में मेरा डॉटर काव्य को अभी देख रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पर अपना होम टाउन अपना घर में आया हूँ और यहाँ पर आज मेरा बेटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज बेटा मेरा काव्य के स्कूल में इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड मतलब कि रिजल्ट डे है, तो एनुअल एग्जाम का रिजल्ट है। तो इसी के कारण से मैं रिजल्ट लेने के लिए भी आया हूँ। तो कैसा लग रहा है, आज पास होंगे? हाँ, तो मतलब कि फुल कॉन्फिडेंट है कि पास होगा, तो मतलब कि देखते हैं। अभी हम जाएंगे स्कूल, स्कूल जाने के बाद में वहाँ पर जाके रिजल्ट भी हम लेंगे वहाँ पर, और उसके बाद में अदर जगह में भी जाना है। तो आज मैं बहुत ही लंबा समय के बाद में व्लॉग बना रहा हूँ और इस व्लॉग को भी आप लोग अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, मुझे होप है। तो इसी तरह से संजोग राय ब्लॉग्स को प्यार देते रहिएगा। हालाँकि बीच में कभी गैप हो सकता है क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा गैप होता है, मगर उस गैप को मैं बहुत ही लंबा गैप नहीं रखूँगा, कंटिन्यूटी ब्लॉग देने का प्रयास करूँगा। तो अभी इसी के चलते ही अभी मैं आप अपना स्कूल काव्या के स्कूल की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ का भी आप लोगों को दिखाएंगे, किस तरह से गार्जियन वहाँ पर रिजल्ट लेने के लिए एक्साइटमेंट है वो भी दिखाएंगे, और उसके बाद में कुछ जगह भी हम जाएंगे। तो आज आप लोगों को मैं लेके जाऊँगा, तो देखते रहेगा और प्यार इसी तरह से बांटते रहेगा। तो चलते ही काव्या के स्कूल की तरफ। कौन सा स्कूल, विच स्कूल? बेलव्यू बोर्डिंग स्कूल। विच क्लास? क्लास 4। तो जाते हैं स्कूल, और स्कूल जाने के बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी मैं रेडी होने के बाद में अभी काव्या के स्कूल की तरफ जा रहा हूँ और आप लोगों को भी लेके जाएंगे। थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि बेटी का रिजल्ट है, तो देखने के लिए एक्साइटेड भी हूँ। और हालांकि वो मेरे साथ अभी नहीं आई काव्या, मगर अभी जाएंगे। तो देखिए यही रास्ता है जहाँ से काव्या के स्कूल पहुँचता है, और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊंचा एरिया है और हमको ऊपर जाना पड़ता है इस तरह से। और ऊपर थोड़े से ऊपर एक मंदिर भी है, वो मंदिर का भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे, शिव मंदिर है। तो चलते हैं मंदिर पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद में स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका डाँडा फाटक बना देता है इस जगह को, और यहाँ पर गाड़ियों का भीड़ भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये जगह से आप लोग सिलगढ़ी, जैसे और नीचे सिलगढ़ी है मंदिर का दर्शन हम कराएंगे, देख सकते हैं शिव जी का मंदिर। अभी हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ का व्यू भी आप लोगों को दिखाते जाएंगे। देख सकते हैं ये जो इलाका बहुत ही मनमोहक, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका कोचिंग का सबसे बहुत ही बड़ा होटल कॉकरेन पैलेस इसके सामने, और ये जो नीचे आप लोग देख सकते हैं ये व्यू, अभी बढ़ रहे हैं आगे, थोड़ी दूर में है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ से लगभग 200 मीटर के दूरी में ही है आपका काव्या के स्कूल बेलव्यू। तो वहाँ पर आप लोग लेके जा रहे हैं। तो ये होटल में अभी मुझे लग रहा है कि शादी हो रहा होगा, इसलिए गेट में मंडप मंडप इसे बनाया है, देख सकते हैं ऊपर आप देख सकते हैं कर्शन का टीवी टावर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ देखिए कॉकरेन पैलेस। तो ठीक है, चलते हैं और वहाँ स्कूल में जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए अभी स्कूल पहुँच चुका हूँ मैं, और अभी मुझे लगा रहेगा हॉल में होगा ऊपर, अंदर चलते हैं देखते हैं। तो
अभी हम जा रहे हैं हॉल के तरफ और वहाँ जाके रिजल्ट देखते कैसे होगा, तो देखते रहेगा। तो वहाँ पर मेरा बेटे का क्लास टीचर बैठी हुई है, अभी हमको रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए जाना है। तो वहाँ तो आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, आप डायरेक्ट रिपोर्ट कार्ड देखेंगे उसके बाद में आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे कभी आप। तो अभी देखिए रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिजल्ट मतलब कि बढ़िया आया है लास्ट में आपका फाइनल में 86.88% आया हुआ है, देख सकते हैं। तो प्रमोशन ग्रांटेड, अब ये क्लास फाइव में पहुँच चुके हैं। तो ये था कभी का रिजल्ट और आप लोग देख सकते हैं। रिजल्ट लेने के बाद में चुका हूँ और अभी थोड़ी देर में दूसरा जगह में जाएंगे और वहाँ पर आप लेके जाएंगे, देखते रहेंगे। तो अभी रिजल्ट लेने लाने के बाद में आप लोगों को मैंने रिजल्ट दिखाया मेरा काव्य का, अच्छा लाया है, मार्क्स अच्छा लाया है। और तो यही खुशी कारण से अभी मैं इसको घुमाने ले जा रहा हूँ और हम लोग जाएंगे बाज़ार में, थोड़ा खरसों के बाज़ार में। और वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल खुला हुआ है जिसका नाम क्या नाम है रिलायंस। और वहाँ पर जाके इसके साथ हम घूमेंगे और इंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद में हमको फिर जाना ही है। तो आज अभी फुल टाइम में अपना बेटी के साथ में घूमूंगा, इंजॉय करूँगा। अभी देखिए यहाँ पर स्कूटी भी रेडी है मेरा, तो अभी चलते हैं और आप लोगों को वहाँ शॉपिंग मॉल में ले जाके वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। और यहाँ अभी रिसेंटली खुला हुआ है कर्शन में रिलायंस का एक शॉपिंग मॉल है, तो जाते हैं और आप लोगों को भी वहाँ का व्यू दिखा देते हैं। और मैं अभी वहाँ पर फर्स्ट टाइम हूँ तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा और आप लोगों को वहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है वो भी आप लोगों को जानकारी देंगे, जिसके कारण से आप लोग आके उस सामान को खरीद सकते हैं। तो जाते हैं, देखते रहे। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्मार्ट बाजार रिलायंस में आ चुके हैं, अंदर हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो अंदर का व्यू आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से हम अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर यहाँ देख सकते हैं। देखते हैं वीडियो देना देंगे नहीं देगा, देखते हैं। हेलो ना, কেক ডার্ক ফ্যান্টাসি খাওয়া দেখি আমি খাবি আনি কে লি ডাইরি মিল্ক সিল্ক প্যাকেট লে লিয়া হ্যাঁ না তো আমি শপিং হো রা অন্দর আপনার দেখ সকতে হ্যাঁ বহুত অচ্ছি তরহ সারা কাজ সারা কিছু মিলাকে রাখা হওয়া আর আমি এনজয় করে আমি দেখ রে আর ভাই না কাবিয়া
तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग यहाँ पर आए थे रिलायंस, थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद में अभी अपना घर की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज इस तरह से ही मेरा टाइम स्पेंड हुआ मेरा बेटे के साथ में, और हम लोग इन्जॉय किए। तो बहुत जगह घूम के और फिर अपना घर में आ चुका हूँ, और आज आप लोगों को मैंने बहुत ही लंबा समय के बाद में मेरा वीडियो दिया है। तो आई होप सो कि मुझे भी बहुत ही खुशी मिल रहा है, क्योंकि मैं फिर से एक बार यूट्यूब के जानने की तरह आप लोगों से मिला और आज आप लोगों से बातें किया, और आशा है कि आप लोग मेरा वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा, इसी तरह से प्यार करते रहेगा। और आज जो भी होगा उस ब्लॉग में आप लोगों को हम दिखाई दिए, बहुत सारा कुछ दिखाया, तो इसी तरह से लगातार कंटिन्यूटी मेरा ब्लॉग चलता रहेगा। तब तक के लिए इसी तरह से समझो कि ब्लॉग्स को प्यार देते रहेगा, साथ साथ में हमेशा सबके साथ मिलजुल के रहिएगा, क्योंकि बार बार मैं बोलते हुए रहता हूँ कि सभी के साथ में प्यार से मिलजुल के रहेंगे तो यही लाइफ का सबसे बड़ा क्योंकि प्रेम होता है। तो यही बात है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, और लास्ट में एक ही वर्ड बोलना चाहते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय।